सर, ईयर इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि बच्चे को सुनाई नहीं देना। जो बच्चा न सुनता तो वो बोलता भी नहीं। जैसे कि जनरली एग्जांपल, अगर हम मारवाड़ी कोई लैंग्वेज सुनेंगे तो हम मारवाड़ी देखेंगे, ठीक है। अगर हम इंग्लिश सुनेंगे तो इंग्लिश ही हम बोलेंगे। ऐसे अगर बच्चा सब सुनता ही नहीं तो वो बोलेगा कैसे। इसके प्रोसेस के लिए हम करते हैं कि बच्चे का पहले, अगर वो 4 ईयर्स से कम एज का है तो हम उसका बेरा टेस्ट करते हैं। बेरा टेस्ट में हमें जब पता चलता है कि मतलब उसको कितना हियरिंग लॉस है, ठीक है, उसके बाद में हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग हम उसको सुनाई की मशीन लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हियरिंग लॉस है, वो मशीन लगाने के बाद में हम उसकी स्पीच थेरेपी डेवलप करते हैं। स्पीच थेरेपी का मतलब होता है कि बच्चे को साउंड बोल के और उसको सुनाना और उसको आइडेंटिफाई करवाना कि ये साउंड क्या है। एक्चुअली जब हम बच्चे के मशीन लगाते तो बहुत से पेरेंट्स का ये रहता है कि अब तो मशीन लग गई तो बच्चा तो अपने आप ही बोलेगा। पर ऑलरेडी अगर वो 3 ईयर्स 4 ईयर्स का बच्चा हो चुका है तो वो जो भाई एक बच्चा जो 4 मंथ का होता है उसको हम पापा पापा बोलते हैं। जब वो 1.5 साल का या 1 ईयर का होता है तो पापा बोलना सीखता है ना। तो जब वो इतना प्रोसेस जब बच्चा ले लेता है तो नॉर्मल हियरिंग एड लगाते ही बच्चा कभी ऐसे नहीं कि वो सुनने लग जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चे को आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा कि ये आवाज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि आ साउंड हुआ, वो साउंड हुआ, अब उसको ये नहीं पता कि आ साउंड भी होता है वो साउंड, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको, बच्चों को ऑडिटरी ट्रेनिंग करा जाती है, पीछे से साउंड प्रोड्यूस करके उसको आइडेंटिफाई करवाना, धीरे धीरे उसको पिक्चर प्रेजेंट करना, जिस पापा की फ़ोटो, फिर मम्मी की फ़ोटो, फिर धीरे धीरे एनिमल्स की, ऐसे धीरे धीरे बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जाता है। उसके जरिए वो बच्चा सुनना स्टार्ट करता है। एक्चुअली कभी कभी बच्चों में क्या होता है, हियरिंग एड भी काम नहीं करती, तो उसके हम क्या करते हैं कि मिनिमम 3 मंथ हियरिंग एड लगा के उसकी स्पीच थेरेपी करवाते हैं, जिससे कि बच्चों में ये रहता है कि मतलब कि इसमें बेनिफिट है या नहीं है। क्योंकि हम उसको स्पीच थेरेपी दे रहे हैं और उसमें बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो मतलब वो बोलेगा ही नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोकली इम्प्लांट के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं, जो कि गवर्नमेंट भी करवाती है और प्राइवेट भी होता है। उसके अंदर ऑपरेट होता है, ऑपरेट होने के बाद में मतलब कोकली इम्प्लांट सक्सेसफुल होता है, उसके बाद में भी हम उसकी स्पीच थेरेपी करवाते हैं, फिर जाते बच्चा एक बोलना स्टार्ट करता है। कभी कभी पेरेंट्स क्या होता है कि थोड़ा बहुत बच्चा बोलना स्टार्ट कर लेता है, घर पे रोक लेते हैं। उन बच्चों में क्या होता है कि मिस आर्टिकुलेशन रह जाता है, साउंड क्लियरिटी नहीं रह पाती, ठीक है। वो जो बच्चे की जो सीखने की एज है वो ऑलमोस्ट निकल जाती है, मोस्टली तो 5 ईयर्स मोस्ट रहती है सीखने के लिए, पर हम फिर भी 6 ईयर इंक्लूड करते हैं कि कभी कभी बच्चा कवर कर लेता है। अगर 6 ईयर के अभाव होता तो वो बच्चा इतना क्लियर कर नहीं पाता, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को सुनने में, ठीक है। और वो लैंग्वेज भी डेवलप नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी इशारों की आदत पड़ जाती है, पेरेंट्स भी वो इशारे कर रहे तो उठा के चीज दे देते, उसको मौका नहीं देते कि बोल जब भी हम देंगे। तो इसलिए बच्चों में क्या रहता है कि फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत इन्वॉल्व रहता है। इसके प्रोसेस से हमारे क्या है, क्योरवेल पे स्पीच थेरेपी चलती है। यहाँ पे पेशेंट होने की वजह से फिर हमने स्पेशल स्कूल भी खोला इन बच्चों के लिए, क्योंकि स्पेशल स्कूल का मतलब तो स्पेशली उस बच्चे पे ट्रीट करके उसको पढ़ाना। क्योंकि स्पीच थेरेपी तो जनरली बच्चों में आ जाती है स्पीच थेरेपी से, पर उसको एजुकेशन अच्छे से मिल नहीं पाता, इसलिए हमने BR मेमोरियल मुखबदीर स्कूल खोला, जिससे कि बच्चों को पूरा वहाँ पे इन्वायरमेंट मिले कि बच्चा इशारा नहीं करना चाहिए, इशारे करते हुए टीचर उसको टोकना चाहिए, नहीं बोल के बताओ हमें क्या है। तो वहाँ पे वर्बली हम चलाते हैं, साइन लैंग्वेज में हमारी स्कूल नहीं होती है, हमारी टोटली स्कूल होती है वर्बल लैंग्वेज में, जिससे कि एक बच्चा मतलब सोसाइटी में वर्बली प्रेजेंट हो। दूसरा हमारा गोल होता है, हमारी स्कूल का ये गोल होता है कि यहाँ पे बच्चा पूरी लैंग्वेज सीख के नॉर्मल स्कूल में जाए। हमारा गोल ये नहीं कि वो परमानेंट हमारी स्कूल में रहे, हमारा मतलब कि बच्चा पूरा लैंग्वेज सीख के और अच्छी एजुकेशन का जो बेस होता है, जो बच्चों में बेस बन नहीं पाता है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को नहीं आती है, वो नॉर्मल स्कूल में चले जाते हैं, तो उन बच्चों को हम आगे अच्छे से बेस बना के और नॉर्मल स्कूल में डाल के उनको नॉर्मली सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनमें डेवलप करना। देखो सर, ऑटिज्म में आजकल क्या कि बहुत से बच्चे ये होने लगे ऑटिज्म के, उनमें क्या होता है कि सर बिहेवियर होता है,
ऑटिज्म बच्चों, जैसे आप कोई चीज़ बोलोगे तो वो उनको सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल वो ध्यान नहीं देंगे, आप कुछ बोलोगे उनकी काम की चीज़ होगी उसकी तरफ ही वो देखेंगे। साथ में ऑटिज्म बच्चों में क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है उनका ADHD, हाइपर एक्टिव फंक्शन स्टार्ट होगा, कोई चीज़ को फेंकना टोड़ना एक जगह बैठता नहीं है। दूसरा क्या होता है ऑटिज्म बच्चों में, ये होता है कि वो बिहेवियर उनका होता है, जैसे कि उनका अच्छा बिहेवियर रहेगा तो बोलेंगे, अगर नहीं बिहेवियर रहेगा नहीं बोलेंगे। उनमें सेंसरी मोटर का पता नहीं होता है, जैसे अगर कोई गर्म चीज़ है उनको टच करेंगे तो उनको ये नहीं पता ये गर्म है या ठंडी है, ठीक है। कोई गाड़ी के आगे जा रहा तो उनको ये नहीं पता इस गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब सेंस नहीं होता है, ठीक है। अगर उनमें जैसे पोटी और टॉयलेट का भी सेंस नहीं होता है कि कब क्या होता है। म्यूजिक अगर आप बजाओगे तो उनको लाउडनेस बहुत ज़्यादा लगेगी, उनमें सहन नहीं होगी क्योंकि उनका सेंसरी मोटर बहुत ज़्यादा ये रहता है। तो इसलिए बोलो सर कि इन बच्चों के लिए कम एज में अगर स्पीच थेरेपी करवाते हैं तो बच्चों की स्पीच थेरेपी डेवलप हो जाती है, वो धीरे धीरे उनमें अच्छा मतलब धीरे धीरे डेवलप अच्छा होने लग जाता है, जिससे कि क्या होता है उनके हाइपर एक्टिव भी फीचर कम हो जाते हैं और बिहेवियर जो ऑटिज्म के जो बिहेवियर है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में अच्छे से बोल पाते हैं कर पाते हैं खुद का काम खुद कर पाते हैं। ऑटिज्म बच्चे हमेशा सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि वो माइल्ड है मॉडरेट है सीवियर है, ठीक है। तो उसमें हम सिर्फ डिक्रीज करते हैं, ठीक है। पर जितना पेरेंट्स का इन्वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स जितना उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि दिन भर बच्चा इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ पेरेंट्स के पास रहे, हम उनको गाइड कर सकते हैं बच्चे को बुलवा सकते हैं, वो फॉलोअप में बाकी वो उनकी प्रैक्टिस घर पर जितना करेंगे वो अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ वो बार बार उनको रिपीट करवाना और प्रैक्टिस करना और इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट होना। सर हर स्पेशल बच्चों के लिए इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो पेरेंट्स पूरा उसको टाइम देना चाहिए। एक्चुअली जब हम देखे जाते हैं तो नॉर्मल बच्चे को भी हम जब स्कूल जाके आते हैं तो हम पर्सनली उसको टाइम देते हैं पढ़ाते हैं तो वो जाते हैं, मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, अच्छा मतलब एक अच्छा परसेंटेज बनाता है। तो आप सोचो अगर स्पेशल बच्चा तो उसके लिए पेरेंट्स को कितना टाइम देना चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखो सर मशीन उसमें हमेशा ही रहती है, जैसे कि चश्मा होता है, चश्मा एक बार चढ़ गया तो वो हमेशा ही रहता है, वैसे हियरिंग एड हम उनके हमेशा ही रहती है वो चीज़। क्या पैसे आप देंगे उन बच्चों के लिए स्पेशल जो चाइल्ड हैं जो पेरेंट्स के इस तरह से ट्रीट करें और कैसे मतलब आप तक पहुँचे? देखो सर उनका मेन ये मेरा है कि हर पेरेंट्स को अर्ली इंटरवेंशन करवाना ज़रूरी है कि अपने बच्चा सही एज में अगर नहीं बोल रहा है तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कम एज में वो दिखाएंगे उतनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उतना जल्दी उनमें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जो सीखने की एज होती है वो ऑलमोस्ट निकल जाती है, इसलिए वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरा अपनी स्पीच थेरेपी चलती है सर हकलाना और टुटलाना, काफ़ी बच्चे हकलाते हैं तो पेरेंट्स का क्या रहता है कि ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ये वाला बच्चा भी ऐसे हुआ था तो वो ऑटोमेटिक हो गया। सर पहले के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत डिफरेंस है, पहले के टाइम में क्या होता था कि हर पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, चाचा चाची दादा दादी सब फैमिली एक साथ रहती थी, तो बच्चों को टाइम देते थे बात करते थे। आजकल सर सबसे ये हो गया कि डिसएडवांटेज ये है कि बच्चों के लिए मोबाइल, मम्मी पापा काम कर रहे अपने काम में बिजी है, बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल दे दिया, बच्चे को काम बात करने का मौका ही नहीं दे रहे, थोड़ा सा भी वो कुछ पूछने के लिए आ गया रुक एक मिनट ये ले मोबाइल बैठ जा, तो मोबाइल के लिए इतना हो गया बच्चे को बस उसी में इंटरेस्ट हो गया, वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे। जैसे बच्चे जिससे डेवलप होते बोलते पापा ये क्या है इसका क्या करते हैं ये क्यों करते हैं, इतने क्वेश्चन चलते हैं, अब वो क्वेश्चन के लिए उनमें डेवलप ही नहीं हो पा रहा, वो तो पहले से बस ये चीज़ है कि मतलब मोबाइल में घुस गए वो अपने काम में बिजी, तो वो चीज़ है। हकलाना चुचलाने में क्या होता है सर, जैसे बहुत से बच्चे हकलाते हैं वो क्या सोचते हैं पेरेंट्स हो जाएगा अच्छा खासा इंटेलिजेंट होता है क्लास में बोल नहीं पाता कि मैं अटक जाऊंगा मेरे मजाक उड़ा लिया जाएगा, तो वो जो इंटेलिजेंट बच्चा भी होता है वो अपना आंसर नहीं दे पाता है, अंदर से उसको गिल्टी फील होती है पूरी क्लास में पे मजाक हो गई, तो वो साइकोलॉजिकल इश्यू स्टार्ट हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे कॉलेज लाइफ में जाता है, कॉलेज लाइफ में BTech करता है या MBBS करता है या अच्छी पोस्ट पे जाता है इंटरव्यू होता है वहाँ पे भी वो अटक के जाता है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो उसको सब कुछ आते हुए भी वो रिजेक्ट हो जाता है,
तो पेरेंट्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर जो बच्चा 2 महीने में ठीक हो सकता है वो 20 साल इतना स्ट्रगल क्यों करवाए। ठीक है, सर मात्र ये अकलाना तुतलाना 2-3 महीने का रहता है, 2-3 महीने में नॉर्मल हो जाता है। वो भी हमें 2010 से अपना क्लिनिक चल रहा क्योर वेल, हमारा गोल 400 से 500 हमने अकलाना तुतलाना सही किया है, वो भी 100%। हम गारंटी के साथ लेते हैं कि 100% हम नॉर्मल करके देंगे, क्योंकि सर इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर तुतला के बोल रहा है और उसको ये लग रहा है कबूतर को तबूतर बोल रहा है, तो मतलब वो कुछ भी आंसर देगा तो वो अगला तो अलग ही मीनिंग समझेगा। तो मतलब तुतलाने के लिए ये होता है कि मतलब अगला बोले क्या 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 बार बार रिपीट करता है, वो अगला वो सही बोलता है पर उससे बोला नहीं जाता। तो मतलब एक बच्चे को भी ये लगता है यार मैं इतना मेरा इतना बोल रहा हूँ फिर भी अगला समझ नहीं जाए, तो साइकोलॉजिकल और इशू डेवलप होना स्टार्ट होता है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश चौधरी है, मैं AYJNH मुंबई से पास आउट हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा काम करने में मज़ा आता है स्पेशल बच्चों को, क्योंकि जो बच्चा कभी पापा को पापा नहीं बोलता 4 ईयर्स तक, अगर वो फर्स्ट टाइम जब पापा को पापा बोलता तो काफ़ी पेरेंट्स को खुशी मिलती है। मेरा यही मैसेज है सब लोगों के लिए कि अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा सही एज में, अगर आपको लग रहा है कि अपना बच्चा नॉर्मल बच्चों से कम बोल रहा है, तो पास में कहीं भी आप ENT को दिखाओ, स्पेशलिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ कि आप आइडेंटिफाई कराओ कि अपने बच्चे को क्या फीचर है, क्यों नहीं बोल पा रहे, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अगर आपका बच्चा सुन नहीं पा रहा तो उसको हियरिंग एड लगाओ। पहले के टाइम अलग था कि हमारा बच्चा नहीं ऐसे का ऐसा रहेगा, आजकल हियरिंग एड से बच्चा पूरा नॉर्मल हो सकता है। बनीपार हार्ट एंड ECP जनरल हॉस्पिटल USFDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी बिना भर्ती किए ECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।